फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लेवी रॉक्स टीम्स। तो हम आप लोगों के लिए आ गए भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा ड्रीम इलेवन एमिरेट्स T20 लीग का FUJ वर्सेस DUB के बीच 2 घंटे 26 मिनट बाद। तो दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यार आपको बता दूँ, ये जो जहाँ पे मैच हो रहा है, ये हो रहा है मैच एमिरेट्स में, मतलब दुबई में। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको एक मेन बात मेरी ध्यान से सुनो, ये जो मैच हो रहे हैं ना, इनकी जो भी वो है ना स्टेडियम, मतलब एक पिच, बैटिंग पिच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग पिच है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग पिच हो जाती है। तो उस कारण जो मेरे को जीतने के चांस है, 80% फर्स्ट इनिंग जीतने के चांस है, 20% सेकंड इनिंग, इस पिच पे चेज नहीं होता। तो बात करूँ इस मैच की, फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की मैं आपको फाइनल टीम पोस्ट करूँगा अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है AB Rocks ड्रीम इलेवन टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, ये है प्रीवियस मैचेस के नाइट फुटबॉल स्क्रीनशॉट, जिसमें कि अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगी है ये आपके सामने दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो मैं इसमें बात करूँ, इन्वेस्टमेंट बहुत लेस रखना, क्योंकि यार इसका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, और बैटिंग ऑर्डर चेंज ना भी हो तब भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ इसमें रेयरनेस है मैच में। मतलब मेरे को लीग इतनी अच्छी नहीं लगती, उस कारण अपना होता है। अगर आपको करनी है आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा, डू लेस इन्वेस्टमेंट। तो बात करूँ विकेट कीपर की, तो ए खान, ये बंदा अदनान खान, मतलब हर मैच में 60-70 रन की पारी खेलनी है। टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, ओपनर भी आ सकता है और वन डाउन भी आ सकता है, और जबरदस्त, मतलब इसकी प्लेइंग मतलब राजों वाली प्लेइंग है, बहुत जबरदस्त खेलता है। और बात करूं भाइयों बैट्समैन की, तो डब्ल्यू मोहम्मद इज़ द ओपनर ऑफ इस टीम। तो वासिम मोहम्मद बहुत अच्छा था पहले, एक्चुअली यार इसकी इकॉनमी रेट आती थी, मतलब ये बॉलिंग कराता था, लेकिन इस बार इसने बॉलिंग डाली नहीं। एक्चुअली इन्होंने प्रॉपर बैट्समैन एंड बॉलिंग अलग अलग कर दी है, अच्छा किया वैसे। और यू खान की बात करूँ, यू खान इज़ द वन डाउन ऑफ इस टीम, 50 रन इसने पिछले मैच में मारे, मतलब हाफ सेंचुरी, 5 चौके और 1 छक्का। और नेक्स्ट की बात करूँ, उस्मान बहुत ही बढ़िया प्लेयर, आप चाहो तो इसकी जगह ट्राई कर सकते हो पी मेहरा को। मैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ, मेहरा भी अच्छा खेलता है, उस्मान भी। अगर आपको सेव जाना है देन गो विद उस्मान, इफ यू वॉन्ट टू टेक रिस्क देन गो विथ पी मेहरा। तो बात करूँ ऑलराउंडर की, एस शेख जो कि भाइयों एक मेन बात सुनो, एस शेख की वापसी, मतलब अगर आज अच्छी होती है तो ये बंदा 2 विकेट तो इसको कड़कानी चाहिए, और कम से कम 20-30 रन मारने चाहिए ये वाली पिच पे। मेरा जो मानना है कि इतने तो रन मारने चाहिए। और आगे से बात करूँ एस मंशद इज़ अ गुड बॉलर, बैटिंग जिसकी अच्छी है वो है एस शेख, बॉलिंग साइड अगर जिसकी लेनी है वो मंशद है, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। आर मुस्तफ़ा, ये भी अपनी टीम से ओपनर आता है, और मुस्तफ़ा ने प्रीवियस मैच में काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी लोगों का कैप्टन था, 72 रन मारे जिसमें कि 1 विकेट भी पॉक की, अच्छा खेल के गया, 72 रन नहीं मारे सॉरी गाइस, 72 पॉइंट्स दिए जिसमें कि इसने 39 रन मारे थे और 1 विकेट ली थी, 72 रन नहीं 72 पॉइंट्स। और एम फारूक की बात करूँ, फारूक इज़ अ गुड बॉलर नॉर्मली, इसकी जगह आप चाहो तो कोई और ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्क मत लेना। तो बात करूँ बॉलर्स की, तो यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर नीलांश केसवानी, जो कि दुबई का है, जो कि नॉर्मल खेलता है, इसकी जगह ट्राई कर सकते हो। आर भाटिया को, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लतीफ़ हो गया, ये तीनों आप GL में ट्राई कर सकते हैं। अगर इनमें से इन चारों में से कोई खेलेंगे 2 बॉलर्स, तो आपने ट्राई करना है नासिर को, अगर नासिर खेलेगा तो इसको GL में ट्राई करना, आई एम गोइंग सेफ, तो मैं लूंगा एन केसवानी को। ए राजा की बात करूं, ए राजा नॉर्मल बॉलर है, मतलब 1 आधे विकेट वाला खिलाड़ी, 2 विकेटें बस। और आगे से बात करूं एल हजरत भी एक नॉर्मल बॉलर है, तो जितने नॉर्मल इकॉनमी रेट के बॉलर हो सके अपनी टीम में लो। तो बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन होऊंगा मेरा आर मुस्तफ़ा, और ये है थोड़ी रिस्की टीम, ये ट्राई करना मिनी GL में, क्योंकि मेरा ए खान वाइस कैप्टन है, ए खान के ऊपर बहुत कुछ टिका है इस। और अगर आपको सेफ टीम चाहिए देन गो विद एस मंशद, ये सेफ है, और जो मैं रिस्क लेता हूँ हर बार की तरह, ये है रिस्की टीम। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।